गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम टू नीटपीडिया। नाउ आज जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और काफी वेटेज रखता है नीट में, ठीक है। नाउ एनसीईआरटी वाइज ही हम लोग डिस्कस करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी का ही जमाना है। नाउ दूसरी बात, जो नोट्स है और एमसीक्यूज है, रिलेटेड असाइनमेंट है, आपको इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे, उसको आप मिल जाएगा, नंबर आपको दिया हुआ है ऑलरेडी। तो बिना समय नुकसान करते हुए फटाफट हम लोग अपना डिस्कशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है। नाउ टॉपिक है हमारा फोटोसिंथेसिस। नाउ अगर हम बात करें फोटोसिंथेसिस के मतलब का, ठीक है, तो इसके नाम में ही इसका मतलब छुपा हुआ है, इसका डिफिनेशन छुपा हुआ है। अगर आप देखेंगे फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है, फोटोसिंथेसिस जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एक है आपका फोटो, एक है आपका फोटो एंड दूसरा आपका है सिंथेसिस। सिंथेसिस का मतलब आप सभी को पता है, यस इसका काम होता है यस मैन्युफैक्चर करना, बनाना। दैट मींस दे विल सिंथेसाइज समथिंग, कुछ ना कुछ ये बनाएंगे, ओके। फोटो टर्म इंडिकेट करता है फोटोन को, फोटो टर्म इंडिकेट करता है फोटोन को। फोटोन मतलब होता है अ पैकेट्स ऑफ एनर्जी जो कि सनलाइट से आपको मिलता है, ओके। नाउ दैट मींस ये वर्ड तो आपको इतना बता दे रहा है कुछ ना कुछ तो सिंथेसिस होगा इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। दैट मींस ये डेफिनेशन बता रहा है यस सिंथेसिस इन प्रेजेंस ऑफ लाइट। क्या सिंथेसिस होता है भाई साहब? बनता है, सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज, सिंथेसाइज होता है ग्लूकोज। अब ये ग्लूकोज कैसे सिंथेसिस होता है इसको हमको डिटेल में देखना है, ठीक है। नाउ जरा देखें, थोड़ा सा हम इसको डिटेल में आपको डिस्कशन करते हैं। ये मान लीजिए लीफ है, ये मान लीजिए लीफ है, ओके। नाउ इस रिएक्शन के लिए आपको एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट लगेगा। दैट मींस सनलाइट का प्रेजेंस होना जरूरी है। दूसरी बात, कुछ केमिकल्स लगेंगे, रिएक्टेंट्स लगेंगे, दैट इज CO2 प्लस वाटर। ये दोनों ही मिलकर आपका बनाते हैं C6H12O6, जिसको आप ग्लूकोज कहते हो। नाउ एमसीक्यू आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस, जो बचपन से आप जानते हो भाई ये सोर्स ऑफ CO2 और वाटर है क्या, ठीक है। नाउ सोर्स ऑफ वाटर की अगर हम बात करें, प्लांट के पास रूट होता है, वहीं से वाटर को ये लोग एब्जॉर्ब करते हैं, नाउ और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अब ये आपको सभी को पता भाई, सॉइल से, मिट्टी से पानी मिलता है। ये पानी जो है कौन से टिश्यू से ये ट्रेवल होता है, ये आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। यस वाटर ट्रेवल थ्रू जाइलम। कौन से टिश्यू से? यस जाइलम के थ्रू, ओके। नाउ ये क्या, नाउ CO2 कहां से आया भैया? CO2 तो है एटमॉस्फेयर में अवेलेबल है, तो यहां पे एक पोर होता है जिसको हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा, जिस पोर को हम लोग बोलते हैं स्टोमेटा। नाउ अब जो एटमॉस्फियर से CO2 होगा वो यहां से आ जाएगा, एटमॉस्फियर का CO2 जो होगा लीफ में आ जाएगा, CO2 वाटर मिलेंगे, और यहां पे आपको एक कैटलिस्ट का जरूरत पड़ता है, एक कुक का जरूरत पड़ता है। दैट कुक इज क्लोरोफिल। ये कुक का नाम है क्लोरोफिल। क्लोरोफिल जो है वो एक कैटलिस्ट का काम करेगा। बहुत सारा एमसीक्यू आपका ऑलरेडी रेडी हो चुका है यहां पे, ठीक है, कैटलिस्ट कौन है। नाउ एक बात और मेरा ध्यान दीजिए, यहां पे सिंथेसिस हुआ है, क्या बोलिए? ग्लूकोज। नाउ अब ये ग्लूकोज जो है लीफ में बन रहा है, कहां बन रहा है? लीफ में बन रहा है, दैट मींस मेसोफिल टिश्यू, ग्रीन पार्ट ऑफ द लीफ में हो रहा है, आपको सभी को पता है। नाउ ये ग्लूकोज जो है पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट कैसे होगा? ग्लूकोज के फॉर्म में या किसी और फॉर्म में? तो ये किसी और चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट में पढ़ाया जाएगा। यस इट इज ट्रांसपोर्टेड इन द फॉर्म ऑफ सुक्रोज। अभी सुक्रोज भाई साहब क्या है? ये जो सुक्रोज है ये आपका ये डाइसेक्राइड है। सुक्रोज जो है ये आपका एक डाइसेक्राइड है,
डाइसेक्राइड है, इसी के फॉर्म में ये ट्रांसपोर्ट होता है। तो आपसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, यस ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म कौन सा है, दिस इज द व्हाट ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म, इसी फॉर्म में ट्रांसपोर्ट होता है। नाउ अब आप देखते हैं कुछ प्लांट्स जो होते हैं लीफ पत्तियां झड़ जाती हैं फिर भी वो जिंदा रहते हैं कैसे, दैट मींस फूड स्टोर भी होता है, ठीक है फूड स्टोर भी होता है। तो एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा, भाई साहब ये बताइए यस ये ग्लूकोज का स्टोरेज फॉर्म क्या है, स्टोरेज फॉर्म, तो इनका स्टोरेज फॉर्म जो है यस स्टार्च है। अब हो सकता है मैं आपको एक कनेक्शन लिंक करवा दूं जो कि मेथड वाले चैप्टर में आपको पढ़ाया जाएगा, स्टोरेज फॉर्म ऑफ ग्लूकोज इन प्लांट स्टार्च है, तो एनिमल में क्या होगा, ये इस चैप्टर का नहीं है फिर भी मैं बता रहा हूं, नोट करके लिख लीजिएगा, यस इन एनिमल स्टोरेज फॉर्म इज ग्लाइकोजन, ओके स्टोरेज फॉर्म इज ग्लाइकोजन, ठीक है। तो ये एक समरी हुआ। नाउ एक बात और, आपने टिश्यू यहां पे पढ़ा जाइलम ट्रांसपोर्टिंग फॉर्म ऑफ वाटर, नाउ ये जो फूड बन रहा है दैट मीन सुक्रोज जो है ये भी मान लीजिए ये सुक्रोज है डाइसेक्राइड है ये भी तो ट्रेवल करेगा किसी और पार्ट में जाएगा। नाउ किस टिश्यू के थ्रू ट्रेवल करेगा, ये भी आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। भाई साहब प्लांट में एक और टिश्यू होता है दैट इज कॉल्ड एज फ्लोएम। तो फूड जो होता है फ्लोएम के थ्रू ट्रांसपोर्ट होता है, ओके। तो चलिए एक बार फटाफट रिवाइज कर लेते हैं। CO2 वाटर मिलके ग्लूकोज बनाता है, कैटलिस्ट चाहिए होता है आपको क्लोरोफिल, सनलाइट एनर्जी लगती है, CO2 एटमॉस्फेयर से, रूट से मिलेगा आपको पानी, थ्रू द जाइलम बनेगा ग्लूकोज, स्टोरेज फॉर्म होगा स्टार्च, ट्रांसपोर्ट फॉर्म होगा सुक्रोज, एंड एनिमल में स्टोरेज फॉर्म होता है बोलिए क्या, ग्लाइकोजन। ये तो समरी है। नाउ एक क्वेश्चन और, आपने यहां पे देखा यस CO2 प्लस वाटर रिएक्ट विथ इच अदर फॉर्म ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, ये रिएक्शन रॉन्ग है, ये मैंने इक्वेशन जो लिखा है ये रॉन्ग है, मैं आगे चल के बताऊंगा ये इक्वेशन रॉन्ग क्यों है, पर अभी आप ये ओल्ड कंसेप्ट ये भी है, पहले आप इसे समझने की कोशिश करिए। देखें CO2 जो है ग्लूकोज में कन्वर्ट हुआ है और वाटर जो है ऑक्सीजन में कन्वर्ट हुआ है, यहां से रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन हुआ है। एग्जाम में कई बार क्वेश्चन पूछता है भाई किसका ऑक्सीडेशन होता है किसका रिडक्शन होता है, दैट मींस यहां पे क्या हुआ है वाटर का ऑक्सीडेशन और CO2 का क्या हो गया है बोलिए भाई साहब रिडक्शन, CO2 का क्या हो गया है रिडक्शन, ओके CO2 वाटर CO2 का CO2 में हाइड्रोजन ऐड हुआ तभी तो ग्लूकोज बना है, दैट मींस CO2 इज रिड्यूस्ड टू ग्लूकोज एंड वाटर इज ऑक्सीडाइज्ड टू ऑक्सीजन। नाउ ये जो फोटोसिंथेसिस है दिस इज कॉल्ड एज फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, इसको हम लोग फिजिकोकेमिकल प्रोसेस बोलते हैं। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज फिजिकोकेमिकल प्रोसेस, दैट मींस कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी होंगी और कुछ केमिकल एक्टिविटीज भी होंगी, कुछ फिजिकल एक्टिविटीज भी होंगी कुछ केमिकल एक्टिविटीज भी होंगी। फिजिकल एक्टिविटीज क्या होगा, यस एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट यह आपका एक फिजिकल एक्टिविटी हो गया। कुछ केमिकल एक्टिविटीज होंगी जो केमिकल रिएक्शंस होंगे वो आपका यस केमिकल एक्टिविटीज होगी। रूबिस्को है बहुत सारा एंजाइमेटिक रिएक्शन होता है केमिकल रिएक्शन होता है, ओके दैट आर व्हाट केमिकल रिएक्शंस, ओके। नाउ ये तो इंट्रोडक्शन था। नाउ अब देखें एनसीईआरटी में वहीं पे और एक पॉइंट लिखा हुआ है, इट्स अ बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। व्हाई दिस इज कॉल्ड एज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। फोटोसिंथेसिस इज बेसिस ऑफ लाइफ ऑन अर्थ। अर्थ पर ये बेसिस ऑफ लाइफ है, क्यों? दो कारण है। हमें अर्थ पे पृथ्वी पर जिंदा रहने के लिए दो चीज चाहिए, एक खाना और दूसरा ऑक्सीजन, ओके। और ये दोनों ही फोटोसिंथेसिस से मिलता है,
फोटोसिंथेसिस से हमें यस फूड भी मिलता है और ऑक्सीजन भी मिलता है, ठीक है। फूड जो कि आप एनिमल्स खाएंगे, और कुछ कार्निवोर्स होते हैं जो एनिमल्स को खाते हैं, ओके, हर्बीवोर्स होता है, कार्निवोर्स होता है। इस तरह से हमें पूरे एनिमल किंगडम में, पूरे प्लांट किंगडम में फूड का लाने का प्रोसेस कौन कर रहा है? फोटोसिंथेसिस कर रहा है। दूसरी बात, सबको ऑक्सीजन चाहिए, सबको ऑक्सीजन चाहिए। ये ऑक्सीजन कहां से आ रहा है? फोटोसिंथेसिस से आ रहा है। दैट मींस इसका एडवांटेज भी यही हो गया, फोटोसिंथेसिस का एडवांटेज भी यही हो गया। हमें क्या दे रहा है? ये फूड दे रहा है और ऑक्सीजन दे रहा है। दैट मींस सोर्स ऑफ फूड हो गया और O2 CO2 बैलेंस एटमॉस्फियर में मेंटेन कर रहा है, ठीक। नाउ अगला जो टॉपिक है वो बहुत सारा आपके एनसीईआरटी में एक्सपेरिमेंट्स दिया हुआ है। जैसे अभी मैंने बोला फोटोसिंथेसिस ग्रीन पार्ट में होता है, उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, या CO2 जो है इसका रिएक्टेंट है उसके लिए एक एक्सपेरिमेंट है, और इस तरह से बहुत सारा रिएक्शन है, एक एक करके हम लोग डिस्कस करते हैं, ओके। ऑक्सीजन इवॉल्व होता है उसके लिए एक रिएक्शन है। नाउ देखें जो फोटोसिंथेसिस होता है मैकेनिज्म, ये वाली स्लाइड हम आगे डिस्कस करेंगे, मैकेनिज्म में डिस्कस करेंगे। दो फेजेस होता है, लाइट रिएक्शन और डार्क रिएक्शन। जब मैकेनिज्म पढ़ाएंगे तब ये वाली स्लाइड हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। पहला एक्सपेरिमेंट जो उसमें वेरिएटेड लीफ एक्सपेरिमेंट दिया हुआ है आपके एनसीईआरटी में, उसमें प्रूफ करना है फोटोसिंथेसिस जो हो ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में होता है, ग्रीन पार्ट ऑफ द प्लांट में फोटोसिंथेसिस होता है, ये आपको प्रूफ करना है। नाउ देखें, एक आप लीफ लीजिए, लीफ आपको कैसा लेना है, लीफ आपको कैसा लेना है, आपको लीफ लेना है वेरिगेटेड लीफ। वेरिगेटेड लीफ कहने का क्या मतलब समझते हैं सर? वेरिगेटेड लीफ कहने का मतलब है कुछ पार्ट इसका ग्रीन होगा। अब मैं एग्जैक्ट वेरिगेटेड लीफ नहीं बना सकता हूं, ठीक है, लेकिन आपने कहीं ना कहीं अपने जीवन में कभी ना कभी देखा होगा वेरिगेटेड लीफ। बोलिए हाँ या ना, वेरिगेटेड लीफ देखा है ना? यस, ओके। नाउ एक बात मेरी और सुनिए आप, वेरिगेटेड लीफ आपने देखा है, दैट मींस वेरिगेटेड लीफ मतलब होगा कुछ ग्रीन पार्ट होगा। वेरिगेटेड लीफ कहने का मतलब है, वेरिगेटेड लीफ कहने का मतलब है कुछ पार्ट जो होगा वो ग्रीन होगा और कुछ पार्ट जो होगा नॉन ग्रीन होगा। कुछ पार्ट ग्रीन होगा एंड कुछ पार्ट जो होगा नॉन ग्रीन होगा, कुछ पार्ट ग्रीन होगा कुछ पार्ट नॉन ग्रीन होगा। नाउ ग्रीन पार्ट वो होगा जहां पे क्लोरोफिल प्रेजेंट है, क्योंकि क्लोरोफिल जहां पे रहता है वहां पे ग्रीन कलर होता है। बोलिए हाँ या ना। नॉन ग्रीन पार्ट दैट मींस नो क्लोरोफिल। नाउ देखिए, एक टेस्ट होता है स्टार्च आयोडाइज टेस्ट, ठीक है। उससे क्या होता है, स्टार्च अगर कहीं पे प्रेजेंट रहेगा ना तो वो ब्लू कलर, ब्लूइश कलरेशन देगा। स्टार्च एक कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म है, स्टार्च विथ आयोडीन गिव ब्लू कलर। कैसा कलर देगा? ब्लू कलर। ये आपको ध्यान में रखना है, स्टार्च आयोडीन के साथ ब्लू कलर देगा, ये आपको ध्यान में रखना है। नाउ थोड़ा सा हम और आगे डिस्कस करते हैं। ग्रीन पार्ट जो है जहां पे क्लोरोफिल है, दैट मींस वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा। अगर वहां पे फोटोसिंथेसिस होगा वहां पे स्टार्च बनेगा, यहां पे नो फोटोसिंथेसिस क्योंकि क्लोरोफिल नहीं है, नो स्टार्च, स्टार्च नहीं बनेगा। नाउ अब इस पत्ते को आप अलग कर लीजिए, अब इस पत्ते को आप अलग कर लीजिए। नाउ इस पत्ते को आप क्या करेंगे, टेस्ट करेंगे क्या, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, स्टार्च आयोडाइड टेस्ट, ठीक है। जब आप स्टार्च आयोडाइड टेस्ट करेंगे, जो ग्रीन पार्ट होगा, ग्रीन पार्ट होगा वो ब्लू कलर हो जाएगा, और जो नॉन ग्रीन पार्ट होगा वो ब्राउन कलर हो जाएगा, वो ब्राउन कलर हो जाएगा, ओके। इस तरह से दैट मींस ये ब्राउन हो गया, दैट मींस यहां पे स्टार्च नहीं है। स्टार्च कहां पे नहीं है? यस, नॉन ग्रीन पार्ट में,
कहाँ नहीं है, नॉन ग्रीन, दैट मीन्स नॉन ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस नहीं कर रहा है, ग्रीन पार्ट फोटोसिंथेसिस कर रहा है, यही इसका कंक्लूजन हुआ। तो वेरिकेटेड लीफ से हम लोग क्या प्रूव करते हैं, वी प्रूव दैट ओनली ग्रीन पार्ट कैन परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। अब बोलो सर अगर मुझे ये कभी एक्सपेरिमेंट करनी हो कैसे कर सकते हैं, वेरिकेटेड लीफ तो मुझे अगल बगल मिल नहीं रही है, तो आप एक काम कर सकते हैं भाई साहब, सुनिए थोड़ा कंसेप्ट लगाइए ना, ये पत्ता लीजिए और पत्ते को, आधे पत्ते को यस ब्लैक पेपर से कवर कर दीजिए, आधे पत्ते को आपने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, आधा पत्ता एक्सपोज रहा, आधा पत्ता को ब्लैक पेपर से आपने कवर कर दिया है, इससे क्या होगा, यस जिसको आपने ब्लैक पेपर से कवर किया उसको लाइट नहीं मिलेगा, वहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, लेकिन आपका ये एक्सपेरिमेंट सक्सेसफुल हो जाएगा। ये आप देख रहे हैं ग्रीन पार्ट है, ग्रीन पार्ट कैसा हो गया है, ब्लू ब्लैक हो गया, क्यों ब्लू ब्लैक हो गया, क्योंकि वहां पे स्टार्च बना है, और ये देखिए नॉन ग्रीन पार्ट ऐसा रह गया। ओके नाउ आगे एक और एक्सपेरिमेंट है, हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, और इसको हम लोग बोलते हैं मोल्स एक्सपेरिमेंट, इसको बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट या मोल्स एक्सपेरिमेंट। देखिए इसमें क्या हो रहा है, ये आपने लीफ लिया, ये आपने लीफ लिया, इस लीफ को मैं अच्छे से बीकर नहीं बना पाऊंगा, ठीक है, इस लीफ को आपने, इस लीफ को आपने एक बीकर में डाल दिया, इस लीफ को आपने एक बीकर में डाल दिया, ठीक है ना, और इस बीकर में आपको एक केमिकल ले लिया, दैट इज पोटेशियम हाइड्रोक्साइड KOH। ये KOH जो होता है, ये KOH जो होता है इट एब्जॉर्ब CO2, ये क्या कर लेगा, यहां पे जितना भी CO2 होगा सबको एब्जॉर्ब कर लेगा, और आपने साथ में क्या दिया हुआ है बोलिए, सनलाइट दिया हुआ है, सनलाइट दिया हुआ है, और यहां पे पानी अवेलेबल है, वाटर, दैट मीन्स वाटर भी है, एटमोस्फियर तो है ही, CO2 भी है, सब कुछ है बाहर वाले के लिए, लेकिन यहां पर क्या हो गया, एब्जॉर्ब्ड ऑल CO2, ठीक है, केवल जो होगा सारे CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा, जब CO2 को एब्जॉर्ब कर लेगा दैट मीन्स यहां पे नो CO2, वाटर तो यहां से आ जाएगा लेकिन CO2 अवेलेबल नहीं होगा, सनलाइट तो मिल जाएगा क्योंकि ये ट्रांसपेरेंट ग्लास है, ग्लास कैसा है, ट्रांसपेरेंट है, लाइट इसको मिल जाएगी, ये आप जैसे देख रहे हो, तो देखें यहां पर CO2 नहीं है, दैट मीन्स यहां पर क्या होगा बोलिए, फोटोसिंथेसिस होगा कि नहीं होगा, जी बिल्कुल होगा, दैट मीन्स स्टार्च बनेगा कि नहीं बनेगा, जी बिल्कुल बनेगा। नाउ यहां पे देखिए, यहां पे क्या नहीं है, CO2 नहीं है, तो CO2 नहीं है तो फोटोसिंथेसिस होगा क्या, जी नहीं, नो फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस नहीं होगा, स्टार्च बनेगा क्या, नो स्टार्च, स्टार्च नहीं बनेगा, दैट मीन्स जब आप इस पत्ते को तोड़कर स्टार्च आयोडाइड टेस्ट के लिए ले जाओगे, स्टार्च आयोडाइड के लिए ले जाओगे, तो ये वाला प्लांट, ये वाला पार्ट जो KOH के कॉन्टेक्ट में नहीं था, ये वाला कैसा होगा बोलो, ब्लू ब्लैक होगा कि नहीं होगा, भैया ब्लू ब्लैक क्यों होगा, क्योंकि यहां पे यस फोटोसिंथेसिस हुई है, यहां पे स्टार्च बना है, यहां पे देखिए क्या होगा, ब्राउन होगा, क्यों, क्योंकि ये एरिया में CO2 अवेलेबल नहीं था, यहां पे फोटोसिंथेसिस नहीं हुआ है, यहां पे स्टार्च नहीं बना है। ओके तो इसी को हम लोग बोलते हैं हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट, क्यों हाफ लीफ एक्सपेरिमेंट क्यों बोल रहा है, बिकॉज भैया आधा लीफ जो होता है बीकर के अंदर होता है, ग्लास के अंदर होता है, आधा लीफ बाहर होता है, इसको मोल साइंटिस्ट ने किया था, सो दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज मोल्स एक्सपेरिमेंट, दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज वॉट, मोल्स एक्सपेरिमेंट्स। ये क्या प्रूव करता है, प्रूव्स CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, इट प्रूव्स दैट CO2 इज एसेंशियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कौन प्रूव करता है भैया, मोल्स एक्सपेरिमेंट, ठीक है, जरा एक बार आप देख लीजिए, ये देखिए आपने जार लिया हुआ है, ये आपने KOH लिया हुआ है, ये आपने CO2 को एब्जॉर्ब करवा दिया, ओके नाउ ये देखें, ये वाला पार्ट को CO2 मिलेगा बाय मीन्स ऑफ स्टोमेटा, लेकिन यहां पे एटमोस्फियर में CO2 नहीं है, यहां पे नो स्टार्स तो ब्राउन होगा, ये वाला पार्ट ब्लू ब्लैक होगा। ओके तो ये था मोल्स एक्सपेरिमेंट, आगे हम लोग देखते हैं बाकी के एक्सपेरिमेंट्स। ओके